नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ पूजा अर्चना की और मां गंगा से आशीर्वाद मांगा कि इस बार 60 के पार का नारा पूरा हो सके। अभी हमने सबसे पहले मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी का नामांकन होना है। यहाँ पर हमारे कैबिनेट मंत्री स्वामी अतीश्वरानंद जी का नामांकन होना है। हमारे इस रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदेश चौहान जी का और हमारे ज्वालापुर क्षेत्र के सुरेश राठौर जी का सभी का नामांकन हो रहा है और हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से। पिछली बार से बड़ी जीत हमारी होने जा रही है। इस बार उत्तराखंड की जनता कामों और कारनामों के बीच का चुनाव है और हमने पिछले 5 सालों में काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाओं की यहाँ स्वीकृति हुई है। हर क्षेत्र में काम हुआ है। हम इन कामों को लेकर जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता जो हमने अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उसको निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से हम पूरा करेंगे और हम अपनी जीत के प्रति पूर्णतः आश्वस्त हैं। पौड़ी की कोटद्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी घोषित नहीं किए जाने को लेकर ऋतु भूषण खंडूरी को टिकट दिया जाने की मांग तेज हो गई है। पौड़ी सीट पर बामन चेहरे के ओर टिकट न दिए जाने को लेकर जिस तरह ब्राह्मणों में आक्रोश था, ऋतु खंडूरी को टिकट देकर आक्रोश कम किए जाने की संभावना है। साथ ही 2012 के चुनाव में मतदाताओं की तरफ से भुवन चंद खंडूरी को वोट न दिए जाने का पछतावा भी मतदाताओं में देखने के लिए मिल रहा है। भाजपा की करनी और कथनी एक ही होती है। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरे को जगह नहीं मिली है, हमारे पास बहुत चेहरे ऐसे हैं जो ब्राह्मण चेहरे से आते हैं और राजनीति में अच्छे खिलाड़ी रह चुके हैं। उसमें एक नाम मैं ये सुझा दूँ, जैसे कि अपना ऋतुभूषण खंडूरी है जो यमकेश्वर सीट पर थी, उनका टिकट कटा नहीं है। वो एक एडजस्टमेंट किया गया है संगठन की तरफ से, क्योंकि हमारे जो अभी वहाँ पे वर्तमान में कांग्रेस ने जो टिकट दिया है शैलेंद्र राव को, वो पहले भारतीय जनता पार्टी का ही विधायक थे और खंडूरी जी जब वहाँ चुनाव लड़ने आए थे तो उनका टिकट कोटद्वार से जब कटा तो नाराज होकर निर्जला सीट से चुनाव लड़ गए थे और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में क्या होता कि हमारा जो 17 का चुनाव था विधानसभा यमकेश्वर में, वहाँ हमने ऋतु खंडूरी भूषण को टिकट दिया, जिसमें कि कांग्रेस ने शैलेंद्र राव को टिकट दिया। ये पहले तो टिकट जो है कटा नहीं है। ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मण वो चाहते हैं कि अभी भी मैडम को जो है ये तो कोटवार से उनका वो हो जाए और बाकी तक करने की वो है, तो टिकट उनका कटा नहीं है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानी और उत्तराधिकारी कल्याण समिति की तरफ से श्री सिंह सभा गुरुद्वारा प्रांगण में देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 98 साल के स्वतंत्रता सेनानी दर्शन सिंह और 97 साल के सेनानी सेवा सिंह को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस महान पर्व के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को महान पर्व गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारे बीच में देश की आज़ादी की लड़ाई में महान योगदान देने वाले और अपना सर्वोच्च निसार करने वाले दो महान सेनानी दर्शन सिंह और सेवा सिंह जी मौजूद हैं। इनको हम तहे दिल से इनका हम नमन करते हैं और उन तमाम अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया। आज हमको आवश्यकता इस बात की है हम इनके बताए हुए मार्ग पर चलें और जो आज़ादी हमें मिली है उस आज़ादी की अखंडता एकता बनाए रखने के लिए हम सब संकल्प लें और उस पर आगे वो कार्य करें। रुद्रपुर में लोकतंत्र के महापर्व मतदान दिवस के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान करने के लिए जिला प्रशासन लगातार जागरूकता अभियान चला रहा है। साथ ही उधम सिंह नगर में मतदाता दिवस जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दी गई। स्कूल के बच्चों के साथ राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम भी चलाया गया। मेरठ बुआखाल नेशनल हाईवे 534 कोटद्वार में हुई पहली बरसात ने नेशनल हाईवे की पोल खोलकर रख दी है। कई घंटों से लगे जाम में पीडब्ल्यूडी की तरफ से कोई मदद नहीं भेजी गई। पीडब्ल्यूडी की तरफ से ना तो कोई जेसीबी मशीन भेजी गई है, ना ही कोई अन्य विभाग से मदद मिली है। इस दौरान घंटों जाम की स्थिति बनी रही।
चमोली में बारवां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कोविड नियमों के तहत धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिले में 8,500 नए मतदाता बने। स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित कार्य की कड़ी में डेमोक्रेसी इन रेन, ऑनलाइन स्लोगन पोस्टर और निबंध प्रतियोगिता, संकल्प पत्र हस्ताक्षर अभियान, वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता के साथ जागरूकता मतदाता वाहन को भी रवाना किया गया। बारवा जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसका हमने कोविड गाइडलाइंस के अनुरूप उसका जो हमने उसको मनाया। हमने इसमें जो हमारे यंग वोटर्स हैं, पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, 80 प्लस वोटर्स हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। साथ ही साथ एक मानव श्रृंखला के माध्यम से सभी चमोली जनपद के वासी वोट दें, आगामी निर्वाचन में इसका एक संदेश भेजने का प्रयास किया है। साथ ही साथ एक मतदाता जागरूकता वाहन का भी हमने फ्लैग ऑफ किया है और अभी एक हम डेमोक्रेसी रन भी फ्लैग ऑफ करेंगे। उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचे कि इस बार आगामी जो 14 फरवरी को निर्वाचन है उसमें सभी मतदाता आकर बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी दिखाएं। यहाँ पर एक मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आया हूँ और मैं नोडल अधिकारी जिला दिव्यांग पुनर्वास के नोडल अधिकारी भी हूँ। मैं एक विकलांग होने के बाद भी एक जिस प्रकार से मेरी एक मैं अधिक से अधिक 14 फरवरी के दिन जो अधिक से अधिक मतदाता हैं उनको जागरूकता के तहत एक उनको लक्ष्य प्राप्त करने की हमारा चमोली जिले एक भी आदमी छोड़ने नहीं गए। कहना आया कि हम वोट दूण को अधिकार के वास्ता हमने काम वोट दूण जरूर चाहिए। हम अपने अधिकार जैसे लोग सोचना चाहिए कि हम यो आदमी भी क्या हुए सकन जन हमारू चौवा दाना चाहिए। हम जब चौ गिन हम सब एक साथ इकट्ठा करना हमारे एक साथ हो के भाव बढ़ जान तो तभी अनुसार से अगर हम सब एक साथ हो के हम वोट दिवला तो हमारे देश को आधार शिला बहुत मजबूत हुए जोड़ी। चुनाव कैंपेन कमेटी उत्तराखंड के चेयरमैन और काशीपुर से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी दीपक वाली ने काशीपुर चुनाव रिटर्निंग ऑफिसर अभय प्रताप सिंह के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और इस बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आज मेरी तरफ से पर्चा दाखिल किया गया है और मैं काशीपुर की तस्वीर बदलने के लिए मैदान में उतरा हूँ जिसमें मुझे आम जनमानस का भरपूर सहयोग मिल रहा है। नहीं, सब प्रक्रिया काफ़ी सहयोग से सब पूरी हो गई। जिस तरीके से नामांकन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हमें जो भी कानूनी रास्ते बताए गए थे उस तरीके से हमने पूरा किया है और सब व्यवस्थित तरीके से हो गया है। मैंने एक पूरा रोड मैप बना रखा है। जनता जब मुझे आशीर्वाद देगी तो उस रोड मैप पर काम करूँगा। जितने भी विकास कार्य रुके हुए हैं या होने चाहिए और काशीपुर की जो समस्याएँ हैं चाहे वो बिजली को लेकर, पानी को लेकर, रोजगार को लेकर, सड़क नाली को लेकर, उन सभी को दूर किया जाएगा। वन बाय वन पूरे तरीके से जो काशीपुर का विकास होना चाहिए था उसको किया जाएगा। ऋषिकेश में करीब 2 महीने पहले कृष्णनगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में मिले विवाहिता के शव के मामले में हत्या की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार विवाहिता को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने मामले में अब हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का शक हत्या में उसके पति के शामिल होने पर है जो विवाहिता के शव मिलने के बाद से फरार बताया जा रहा है। सितारगंज में 69 विधानसभा क्षेत्र नानकमत्ता से चुनाव को लेकर जहां सबसे पहला नामांकन ज्योति राणा का निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हुआ, वहीं आम आदमी पार्टी से आनंद सिंह राणा ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हैरानी की बात तो ये है कि 21 जनवरी से अभी तक किसी की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया था। मैं आम आदमी पार्टी से नानकमत्ता के लिए नामांकन किया है। मेन मुद्दा तो शिक्षा का है हमारा। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा अच्छी होगी तो रोज़गार मिलेगा। रोज़गार अच्छा मिलेगा तो बच्चे हमारे कुछ भी कर सकते हैं। और केजरीवाल जी की जो गारंटी योजनाएं चल रही हैं उनसे पूरी जनता प्रभावित है, विशेषकर महिलाओं को। 18 साल से ऊपर जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये महीना केजरीवाल सर ने किया है।
और यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप सभी को बिट्टू यादव की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं बिट्टू यादव आप सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें। आप सभी को चित्र सिंह चंदेल जीएमडी ग्रुप की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आप सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें। मैं अध्यक्ष नगर पंचायत उसावा धीरेन्द्र पाल गुप्ता आप सभी सम्मानित नगरवासियों एवं अपने क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगामी 14 फरवरी के लिए विधानसभा चुनाव में मतदान होना है। मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि आने वाली 14 फरवरी को आप सभी लोग अपने अपने मत का 100% प्रयोग करें एवं निष्पक्ष चुनाव में अपनी सहभागिता करें। धन्यवाद। आप सभी को डॉक्टर अंशु मिश्रा की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं डॉक्टर अंशु मिश्रा आप सभी से अपील करती हूं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का नियमित प्रयोग करें और भीड़भाड़ से बचें। जो लोग वैक्सीनेशन से वंचित हैं, वे जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं और कोविड को नियंत्रित करने में सहयोग करें। बेवजह घर से बाहर ना जाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। आप सभी को हरिश्चंद SDO की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। हरिश्चंद SDO हमीरपुर की तरफ से आप सभी से अपील करता हूं कि सभी लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और घर पर सुरक्षित रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित कुमार महाराज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट राम सागर मिश्र सौ सैया सहित चिकित्सालय साड़ामू बख्शी का तालाब लखनऊ। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि वर्तमान में जैसा आप सबको विदित है कि कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, इस महामारी से बचने हेतु सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपालन करें और साथ ही साथ भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, जिससे कि इस भयानक बीमारी से हम स्वयं एवं अपने समाज को बचा सकें और अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं पवन सिंह चौहान, SR गौतम सीजन चेयरमैन। सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं इस कोरोना काल में सभी लोग स्वस्थ रहते हुए इस महापर्व को बड़े हर्षोल्लास मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार, मैं शेष मिश्रा, शासकीय अधिकारी नगर पंचायत बस्ती का तालाब के पद पर। मैं देश के समस्त क्षेत्रवासियों और नागरिकों को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया के दर्शकों को आगामी 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी दर्शकों से, आम जनता से अनुरोध करता हूं कि समय समय पर COVID-19 के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का पालन करें, अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीनेशन कराएं और आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में बूथों पर जाके आगामी चुनाव को सफल बनाएं। धन्यवाद। सरकारों से सवाल पूछना है मेरी आदत। मैं वो नहीं हूँ जो सत्ता से सवाल नहीं पूछते, मैं वो हूँ जो सत्ता से ही सवाल पूछता हूँ। मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उसी पे बात करता हूँ। राष्ट्रहित राष्ट्रहित राष्ट्रहित, किसी ने राष्ट्रहित नहीं दिखाया। मेरा अंदाज है बेबाक। माननीय मेनका गांधी जी, आपने कहा कि तुम्हारे पिता क्या चपरासी थे, तो सुनिएगा, सांसद जी हमारे देश के प्रधानमंत्री भी चाय बेचते थे। हम उठाते हैं आपके मुद्दे। माहौल गरम है, मुद्दा भी गरम है। कोक बजा के पूछिए इनसे कि क्या वादे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो रिजाइन करोगे। अपना जोश और वोट बचा के रखिएगा। भारत माता की। हम लेते हैं सीधा सरकारों से जवाब। बहुत सारे सवाल है। इस आंदोलन में बहुत सारे किसानों ने अपनी जान गवा दी। लखीमपुर तो आप पहुँच गए, पंजाब में क्या किसी किसान की मौत नहीं हुई? न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। सब यहाँ किसान परिवार से आते हैं, आप क्यों खेत दिखा रहे हैं? आपकी सरकार में किसान क्या खुदकुशी नहीं करते थे, तब आपकी सरकार आती है। हम हैं न्यू वर्ल्ड इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं।
बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर विधानसभा पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। झबरेरा विधानसभा में भी लंबी खींचतानी के बाद युवा चेहरा वीरेंद्र कुमार जाति को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। टिकट मिलने के बाद वीरेंद्र जाति ने कांग्रेस हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। वीरेंद्र कुमार जाति ने कहा कि इस बार उत्तराखंड प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सत्ता में आ रही है। ये झबरेड़ा विधानसभा का दुर्भाग्य रहा है कि 2012 और 2017 इन 10 वर्षों में झबरेड़ा विधानसभा विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी पीछे रही है। आप स्वयं भी क्षेत्र का भ्रमण करते रहे होंगे, आप खुद ही अगर आसपास की विधानसभाओं को देखें और झबरेड़ा का कंपैरिजन करें, झबरेड़ा की तुलना करें, तो आप स्वयं महसूस करते होंगे कि झबरेड़ा कहीं ना कहीं विकास कार्यों में काफ़ी पीछे है। और अब की बार 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी को जनादेश यहाँ से मिला था, तब हो सकता है लोगों की कहीं ना कहीं अपेक्षाएं हों कि भाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में भी शायद आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, तो हो सकता है कि डबल इंजन होने से या ट्रिपल इंजन मानिए केंद्र में भी वो हैं। बांग्लादेश बॉर्डर से लाई जा रही 1 किलो हेरोइन के साथ एसओजी की टीम ने 2 पश्चिम बंगाल निवासी और 1 उधम सिंह नगर के युवक को गिरफ्तार किया। बरामद हेरोइन की कीमत 1,30,00,000 रुपए की आंकी गई है। आरोपी पहले भी कई जगहों पर हेरोइन की सप्लाई कर चुका है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी का साथ ही आरोपियों को जेल भेजने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, सिंथेटिक ड्रग जो है एसओजी द्वारा पकड़ा गया है, ये तकरीबन 1 kg इसका जो अमाउंट है और 1,20,00,000 के आसपास इसकी कीमत बताई जा रही है। और यहाँ जो है वेस्ट बंगाल से कुछ लोगों द्वारा यहाँ की जा रही तस्करी और इसमें डिटेल्स और लिए जा रहे हैं। संभवतः ये बांग्लादेश से इसको लाते हैं और यहाँ इनका एक लोकल कॉन्टैक्ट है, उसके माध्यम से ये देते हैं। चमोली की 3 विधानसभा में नामांकन हुआ है। बद्रीनाथ विधानसभा में महेंद्र प्रताप भट्ट बीजेपी, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस, विनोद जोशी भाकपा, पुष्कर लाल बैछवाल पीपीआईडी ने नामांकन किया। वहीं थराली विधानसभा में कुंवर राम सीपीआईएम से अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं इस पहाड़ में, पलायन है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सारे मुद्दों को लेकर के। और जैसा मेरे साथी ने बताया भी कि हम इन चुनावों को एक बदलाव की आवाज़ के रूप में, इन चुनावों के जन बदलाव की आवाज़ के रूप में जनता के बीच जा रहे हैं। जो 21.5 सालों से उत्तराखंड जिस लिए हमने मांगा था, जिन बिंदुओं को लेकर के उत्तराखंड राज्य का आंदोलन लड़ा गया था, वो मसले अभी भी जैसे के तैसे हैं। इसलिए हम इस चुनाव के माध्यम से जनता के सभी तबकों से अपील कर रहे हैं कि समय बदलाव के लिए बद्रीनाथ ने 3 विधानसभाएं हमारी चमोली जनपद की 3 विधानसभाओं में बदलाव के लिए वोट दीजिए। आज मैंने अपना नामांकन कर दिया है और ये नामांकन मेरी कर्णप्रयाग की विधानसभा के चरणों में जो मेरी जनप्रिय नेता है, जनता है, उनके चरणों में मैं अर्पित करता हूँ। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने पिछले 35 साल से काम किया है और 35 साल के काम करने के बाद मैंने 2-3 बार टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने मेरे टिकट पर अमल नहीं किया। हमारे देश स्वतंत्र हुए और संविधान को लागू हुए लगभग 72 वर्ष हो गए हैं, लेकिन इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने, जो है हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान में जो जन कल्याण की योजनाएँ हैं, उन्हें अभी तक जो है लागू नहीं की। हमारी पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया इस समय 3 प्रदेशों में चुनाव लड़ रही है, पंजाब में चुनाव लड़ रही है, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड में चुनाव लड़ रही है। यदि जनता का हमें समर्थन मिलेगा तो हम आने वाले समय में जो है उत्तराखंड के लोगों की सेवा का हमें अवसर मिलेगा, तो हम विकास के लिए पूरी जो है तैयारी करेंगे। गुदरपुर तहसील में आप पार्टी के प्रत्याशी जनरल सिंह काली ने रिटर्निंग ऑफिसर रमेश त्रिपाठी के सामने अपना पर्चा दाखिल किया। इस दौरान जनरल सिंह काली ने कहा कि मैं पहले भी 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं, इस बार चुनाव आप पार्टी कार्यकर्ता की तरफ से बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है, जिससे गुदरपुर विधानसभा में आप पार्टी की भारी बहुमत से जीत होनी तय है।
नामांकन किया है और अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं तो आज से 3-4 महीने पहले से लगा हुआ हूँ, पहले से पब्लिक की मांग थी परिवर्तन होना चाहिए, इस बार परिवर्तन होने जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम पर्चा भरते थे और पर्चे भरने से हमें ये लगता था कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव लड़ा जाता बूथों से, जो कि हमारी तैयारी नहीं होती थी। आज आम आदमी पार्टी से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और आज पता लग रहा है कि वास्तव में चुनाव कैसे लड़ा जा रहा है। हर बूथ पर तैयारी हो रही है, हम भी कर रहे हैं और पार्टी वाले खुद करवा रहे हैं। और हम मुझे खुद लग रहा है, जो 3 बार मैं चुनाव लड़ा हूँ, हारा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी खामियाँ थी, जो हमारे बूथ तैयार नहीं थे, जो हमारे वॉलंटियर तैयार नहीं थे, उसमें कहीं ना कहीं खामियाँ थी, तो हम चुनाव हारे थे। इस बार ऐसा नहीं होने जा रहा, इस बार हम चुनाव जीत रहे हैं। तो गदरपुर तहसील का ये पूरा मामला है। बता दें कि गदरपुर तहसील में आप पार्टी के प्रत्याशी जनरल सिंह काली ने रिटर्निंग ऑफिसर रमेश त्रिपाठी के सामने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान जनरल सिंह काली ने कहा कि मैं पहले भी 3 बार चुनाव लड़ चुका हूं, इस बार चुनाव आप पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से बूथ स्तर पर मजबूती से कार्य किया जा रहा है, जिससे गदरपुर विधानसभा में आप पार्टी की भारी बहुमत से जीत होगी। तो आप प्रत्याशी ने नामांकन भरा है, आपकी बहुमत से जीत होनी तय है, यहाँ पर आप प्रत्याशी कहते हुए नजर आए। आपको बता दें कि इन दोनों नामांकन प्रक्रिया जो है वो तेजी के साथ नजर आ रही है। तो कुछ दिनों में चुनाव होना है, मतदान की तारीख बेहद नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अगर गदरपुर तहसील की हम बात करें तो गदरपुर तहसील में आप पार्टी के प्रत्याशी जनरल सिंह काली ने रिटर्निंग ऑफिसर रमेश त्रिपाठी के सामने अपना पर्चा दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस बार चुनाव आप पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से बूथ स्तर पर मजबूती के साथ कार्य किए जा रहे हैं, जिससे गदरपुर विधानसभा में आप पार्टी की बहुमत से सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस पार्टी में बगावत के सुर फूट गए हैं। कांग्रेस से प्रदीप थपलियाल को टिकट मिलने के बाद कांग्रेस के अन्य विधायक दावेदारों में आक्रोश है। इस दौरान कांग्रेस से विधायक के उम्मीदवारों ने फैसला लिया है कि कांग्रेस का टिकट बदलकर पूर्व मंत्री माधवर सिंह कांडरी को दिया जाए। अगर पूर्व मंत्री माधवर सिंह कांडरी को टिकट दिया गया तो पार्टी से बगावत करके उन्हें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ाया जाएगा। पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ, धुआं तब उठता है जब आग जलती है। तो गलत निर्णय होता है तो जनता में आक्रोश होता है। गलत प्रत्याशी जगह दिया जाएगा जो जनता की सेवा नहीं कर सकता है, जो गलत काम करता हो, जो गलत पर संगत में रहता हो, उसको प्रत्याशी बनाया गया, जनता उसे स्वीकार कैसे कर लेगी। अर्थात जनता के हित में काम करने वाले को ही हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। टिकट के लेकर नाराजगी तो काफ़ी नाराजगी है लोगों में, तो अभी मैंने इससे थोड़े पहले बता दिया था, लेकिन पार्टी को चेंज करना चाहिए, अपना निर्णय चेंज करना चाहिए और ऐसे सक्षम प्रत्याशी को टिकट देना चाहिए जो यहाँ सीट निकाल सके और जिसने बगावत ना की हो, साफ सीधे। और हमने अभी निर्णय लिया, जो हम लोग सब बैठे हुए, अगर कंडारी जी को भी टिकट देते तो हम इस समय मान्य है, अगर नहीं मिलता है तो प्रत्याशी बना दिया गया है, चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अंदर गुटबाजी ज़्यादा है और उस गुटबाजी का नतीजा हुआ कि जो यहाँ पे टिकट इस ऐसे व्यक्ति को दिया गया और वो गुटबाजी कहीं ना कहीं नुकसान करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर लालकुआ विधानसभा सीट पर 2012 जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अंतर इतना है कि कांग्रेस ने इस बार टिकट हरेंद्र बोरा के बजाय संध्या दालाकोटी को दिया है। कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश दुर्गापाल एक बार फिर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का तैयार हैं। उनके आवास पर जमा सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने के साथ ही लालकुआ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी बदलने की चर्चा तेज हो गई थी। इसी चर्चा के मद्देनजर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल अपने समर्थकों के साथ दिल्ली में जमा हो गए। विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर नामांकन प्रक्रिया में तेजी आ गई है। बीजेपी के पौड़ी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी सहित आम आदमी पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्मोहन नेगी, बीजेपी यमकेश्वर प्रत्याशी रेणु बिष्ट, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता क्रांति किशोर भट्ट, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी सहित आधे दर्जन लोगों ने अपना नामांकन पत्र जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचकर किया। नामांकन के बाद बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार पौड़ी ने कहा कि वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। नैनीताल में राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल मनाया जाता है। मंडलायुक्त दीपक रावत, जिलाधिकारी धीरज कपरेवाल और मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी
अपर आयुक्त प्रकाश चंद ने अलग अलग कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों और सुरक्षा व्यवस्था में लगे सुरक्षा कर्मियों को मतदाताओं को शपथ दिलाई। रुद्रप्रयाग से बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने अपना नामांकन करवा दिया है। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ओर से मिठाइयां भी बांटी गई हैं। तो रुद्रप्रयाग से बीजेपी के प्रत्याशी भरत सिंह चौधरी ने अपना नामांकन करवा दिया। नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं ने विधायक का जोरदार स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा के हर बूथ पर कार्यकर्ताओं की ओर से मिठाइयां भी बांटी गई हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।